हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि की रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल मिठाइयाँ। मैं आपको तीन तरह की मिठाइयाँ बनाना बताऊंगी और एकदम हेल्दी और सस्ती, मतलब 100 रुपये में आपको मैं तीन तरह की मिठाइयाँ बनाना बताऊंगी आपको फ्रेंड्स, और बिल्कुल सस्ते में। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बाजार से आई हैं या घर पर बनी हैं। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हमारे किचन, बनाते हैं मिठाइयाँ। सूजी की बर्फी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक कटोरी सूजी ली है, महीन वाली है, देखिए फ्रेंड्स महीन वाली है। और ये एक कटोरी से कुछ कम मैदा लिया मैंने, और ये एक कटोरी मैंने देसी घी लिया है। और सबसे पहले आइए डालते हैं पैन में घी। घी में भी थोड़ा ही डालूंगी फ्रेंड्स, जब ज़रूरत लगेगी तो फिर डालेंगे। और सबसे पहले हम डालते हैं सूजी, क्योंकि सूजी को भुनना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। मैं सबसे पहले सूजी भूनूंगी। सूजी हमारी हल्की हल्की जब भुन जाए तब हम मैदा डालेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए हमारी सूजी हल्की हल्की भुन चुकी है। ये देखिए, अब डालते हैं मैदा। इसको भी भून लेते हैं अच्छे से, और बाकी बचा हुआ घी भी हम डाल देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, और इसको कम से कम लो फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए भूनना है। मिलते हैं 10-15 मिनट बाद। फ्रेंड्स, हमारी सूजी और मैदा अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, घी भी इसने रिलीज कर दिया है। ये देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी, ज़्यादा नहीं। एक तरफ रखते हैं इसको उठा के। और मेरी ये चाशनी फ्रेंड्स रखी थी, थोड़ी सी बची थी, तो इसको गुनगुनी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चाशनी मेरी गुनगुनी गर्म हो चुकी है, और आइए मैं इसे डालती हूँ सूजी में छान के। मैं ये चाशनी मेरी इमरती की थी फ्रेंड्स, तो उसी में को चाशनी को मैं यूज कर रही हूँ। इसमें सारे फ्लेवर्स हैं, इसमें केवड़ा वाटर है, सब चीज़ है। इमरती का कोई टुकड़ा ना आ जाए मेरे इस सूजी की बर्फी में। और गैस मैंने बंद कर रखी है, ये देखिए फ्रेंड्स। और आइए इसमें डालते हैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना थोड़ा सा ज़रूरी है फ्रेंड्स, छोटे छोटे पैक भी आते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, मंगा के इजीली मिल जाते हैं। और इसको डालना बेहद ज़रूरी, ताकि मेरी बर्फी का टेस्ट एकदम मावा जैसा आए, नहीं तो लगेगा जैसे कि हलवे को सुखा कर बनाया गया है। ये देखिए इतना डाला है मैंने, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से खूब, और फिर गैस जलाते हैं। अभी मेरी गैस बंद हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा मिल्क पाउडर मिक्स हो चुका है, और गैस भी मैंने जला ली है, लेकिन लो फ्लेम रखा है मैंने। और इसको जमने तक पकाते हैं, जब तक ये जमे नहीं अच्छे से तब तक पकाते हैं इसको। 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स इसको पकाते हुए। ये देखिए, हमारी बर्फी पैन छोड़ने लगी है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा निकाल के दिखाऊंगी कि जमने वाली स्थिति में है कि नहीं। अब हमारा ये ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स, इसको मैंने निकाला था। ये देखिए, मेरे बिल्कुल हाथों में चिपक नहीं रही है। ये देखिए, अभी जमने के लिए तैयार है। सो इसे मैं निकालती हूँ, आप किसी भी चीज़ में जमा सकते हैं। मैंने इसको देसी घी से ग्रीस कर लिया है, और इसमें मैं जमाऊँगी अपनी ये बर्फी। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये अच्छे से फैल चुकी है, थोड़ा सा टैप करना है ऐसे, और इसके ऊपर से थोड़ा सा गार्निश के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसको जमने के लिए छोड़ देते हैं, आप चाहें तो फ्रिज में रख दें या ऐसे ही रख दें, बाहर ऐसे ही जम जाएगी ये फ्रेंड्स। और मिलते हैं जब हमारी बर्फ़ी जम जाएगी तो काट के दिखाएंगे आप। फ्रेंड्स हमारी बर्फ़ी ये बन के तैयार हो चुकी है, ये देखिए कितनी टेस्टी बनी हुई है। मुझे कुछ मोटी ही बर्फ़ी अच्छी लगती है। और आइए अब बनाते हैं दूसरी बर्फ़ी। फ्रेंड्स दूसरी मिठाई हमारी बेसन के लड्डू हैं, और मैंने सेम क्वांटिटी में ले लिया है, भूरा लिया है एक कटोरी बेसन लिया है और एक कटोरी देसी घी लिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डालूंगी इतना, और बेसन को धीमी आंच पे भूनूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स बेसन को धीमी आंच में 10-15 मिनट में भूनूंगी अच्छे से, तभी हमारे बेसन के लड्डू स्वादिष्ट बनेंगे, खाने में भी अच्छे लगेंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं 10-15 मिनट बाद, जब तक हमारा बेसन भी भुन जाएगा अच्छे से। फ्रेंड्स थोड़ा सूखा है और मैं थोड़ा और घी मिलाऊंगी, ये देखिए बस। फ्रेंड्स देखिए हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है और इसने थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लिया है हल्का सा, और 15 मिनट मैंने इसको भुना है धीरे धीरे फ्रेंड्स। और आइए इसको दानेदार बनाते हैं, थोड़ा सा पानी का छींटा मारते हैं फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा नहीं, और ये दानेदार बन जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स, ये देखिए। और गैस को मैंने बंद कर दिया है, अब इसको मैं 2-3 मिनट चलाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई हमारी मोटे तले की है, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो मेरा बेसन जल जाएगा। और 2-3 मिनट चला के मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। फ्रेंड्स हमारा बेसन अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये देखिए, और मैं इसे छू भी सकती हूँ वहाँ से। और इसको नीचे उतार लेते हैं, और इसमें एक कटोरी ये मैं तवार मिलाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी वो है नमी बरसात की वजह से, तो इसके साथ जब मिल जाएगा तो ये अपने आप मिक्स हो जा रहा है, ये देखिए ये, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने भूरा को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आइस के लड्डू बनाते हैं। आपको जितने बड़े चाहिए, जितने छोटे जितने बड़े आप बना सकते हैं, ये अपनी चॉइस रखिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारा घी बहुत है इसमें, ये थोड़ी देर में टाइट हो जाएगा, ये हमारा एक लड्डू बनके तैयार हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए। इसी तरह आइए और बना लेते हैं, एक और मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह सभी बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे बेसन लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, और अब आइए बनाते हैं हमारी तीसरी मिठाई। और ये बेसन लड्डू हमारी जब तीसरी मिठाई बन जाएगी तब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी एक अच्छी सी प्लेट में। और ये देखिए हमारे लड्डू एकदम ताज़े, ये देखिए इतने अच्छे बने हुए हैं फ्रेंड्स। सो आइए बनाते हैं तीसरी मिठाई फिर। फ्रेंड्स ये तीसरी मिठाई हम बनाने जा रहे हैं आटे की, मैंने मैदा नहीं लिया फ्रेंड्स, मैदा अनहेल्दी होता है, और मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, ये देखिए ये गेहूं का आटा है, मैंने उससे दुपट्टे से या महीन कपड़ा हो उससे छान लो तो ये थोड़ा बेटर हो जाता है। और इसको आई डालते हैं कढ़ाई में, भूनते हैं पहले थोड़ा सा, एक कटोरी हमने ये लिया है आटा, और इसको थोड़ा सा भूनते हैं, फिर बाद में घी मिलाएंगे। फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं हमको ये आटा भूनते हुए, और आइए इसमें डालते हैं घी। मैंने
ये देसी घी लिया हुआ है, गाय का घी है फ्रेंड्स। अभी मैं 2 चम्मच डालूंगी, ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। और इसको भूनते हैं। हमारे फ्रेंड्स देसी घी की मिठाइयाँ मैं बना रही हूँ, हेल्दी तो है ही और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको मिक्स करते हुए भूनना हमको कम से कम 8 मिनट इस आटे को अच्छे से। एक चम्मच और मैं घी डालूंगी, ये अब ठीक है फ्रेंड। इसको मैं करीब 6-7 मिनट भूनूंगी। जब हमारा ये आटा भून जाएगा तो घी अपने आप रिलीज होने लगेगा। मिलते हैं 8 मिनट बाद। फ्रेंड्स देखिए हमारा ये आटा अच्छे से भुन चुका है और 10 मिनट हो गए हमको इसको भूनते हुए। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना फ्रेंड्स, नहीं हमारी मिठाई देखने में अच्छी नहीं लगेगी। और ये भुन चुका है। और आइए डालते हैं इसमें 10-12 मैंने मखाना इसको रोस्ट करके सूखा और मिक्सी जार में डाल के पीस लिया है, ये भी डाल देते हैं ये देखिए। और फ्रेंड्स इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, भुनना तो नहीं है, भुना हुआ पहले ही से, तो थोड़ा मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये मिक्स हो चुका है और आइए डालते हैं थोड़ा सा, ये मैंने 2 चम्मच नारियल का बूरा आधा लिया है, ये जिससे हम खाना खाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स लगभग 2 चम्मच है। और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से और आइए अब इसको एक तरफ रखते हैं ठंडा होने के लिए और बनाते हैं चाशनी। फ्रेंड्स बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी आटा लिया था, तो आधी कटोरी मैंने चीनी ली है। आपको मीठा जैसा पसंद हो उस हिसाब से डालें और लगभग उतना ही मैं पानी डालूंगी। हमें ज़्यादा चाशनी गाढ़ी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी चिपचिपी चाहिए, ये देखिए। फ्रेंड्स हम ये चीनी को मेल्ट करते हैं और एक चिपचिपी चाशनी बना लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और ये एक चिपचिपी चाशनी बन चुकी है, ये देखिए चिपचिपी चाशनी बन चुकी है। और गैस को मैंने बंद कर दिया है फ्रेंड्स। और आइए इसमें डालते हैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर, थोड़ा सा बस इतना। और ये जो मैंने आटा और मखाना और नारियल भून के रखे हैं देसी घी में, ये मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स अच्छे से। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है और आइए डालते हैं 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर, ताकि हमारी बर्फी का फ्लेवर और बढ़ जाए। और इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, मिक्स कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स। हमने गैस बंद कर रखी है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए हमारा ये पैन छोड़ने लगा है। और आइए डालते हैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर, इतना ये फ्रेंड्स इतना डालते हैं बस। और इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स हमारे बर्फी में कलर मिल चुका है, ये देखिए कुछ इस तरह हमने मिलाया है। और आइए थाली में इसको जमाते हैं, थाली में प्लेट में किसी चीज़ में मैंने इसको देसी घी से ग्रीस कर लिया है और इसमें जमा देते हैं अपनी ये बर्फी। अच्छे से प्रेस करके इसको जमा देते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारी बर्फी चिकनी हो चुकी है, इसके ऊपर डालते हैं थोड़े से बादाम ड्राई फ्रूट्स, आपको जो भी पसंद हो वो डालें फ्रेंड्स। और इसे प्रेस कर दें
इससे, और जमने के लिए छोड़ दें यही किचन टॉप पर, ये बहुत जल्द जम जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए ये 15-20 मिनट में जम जाएगी फ्रेंड्स। देखिए ये अच्छी तरह जम चुकी है, और आइए इसे काटते हैं जिस तरह का आपका मन हो। मैं चौकोर काटूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बर्फी अच्छे से जम चुकी है। ये देखिए आइए इसे प्लेटिंग करते हैं फ्रेंड्स अच्छी सी प्लेट में। सो फ्रेंड्स देखिए हमारी तीनों मिठाइयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं, और ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये बाज़ार से नहीं आई, बस मिठाई के डिब्बा लाइए और पैक कर दीजिए, किसी को भी दीजिए। ये शुद्ध देसी घी से बनी हुई है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी मिठाइयाँ हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका ये टेक्सचर आया हुआ है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैंने रक्षाबंधन स्पेशल मिठाइयाँ बनाना आपको सिखाया है, आप अच्छे से घर में बना सकती हैं, और शुद्ध रहता है ये घर में बनाया हुआ। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरीके की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।